वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग एक ऐसी लाइफ सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो और प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कि भाई प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है, प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन होता है ब्लाइटेड होगा और आपके डॉक्टर बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं हो रही है और आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अब ऐसी दुविधा में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने डॉक्टर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल होता है कि भाई ये कंडीशन उनके साथ क्यों हुई, क्या उन्होंने कोई गलती करी है। दूसरी होती है कि कुछ क्या दवाइयां हैं जिससे हम लोग इन सभी चीज़ों को ठीक कर सकें, प्रेगनेंसी दोबारा ग्रो हो सके। हमें कितना वेट करना चाहिए, क्या अभी अबॉर्शन कराना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो हमारे साथ ये सब हो गया, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आगे जब हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करें तो हमारे साथ दोबारा ये सब ना हो। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो हर पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछना चाहता है, लेकिन कभी कभी तो डॉक्टर भी उनको अच्छे से जवाब नहीं देते हैं और कभी कभी पेशेंट मानसिक तौर पर इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने डॉक्टर से इन सभी सवालों को पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ उन्हें ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए थी। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लाइटेड ओवम है ये एक ओल्ड टर्म है जो कि अल्ट्रासाउंड में यूज होती थी, लेकिन अब जो रिसेंटली हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या फिर अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। अब ये सिचुएशन क्यों होती है उसको समझने के लिए आपको पहले जो आपके साथ प्रोसेस हो चुकी है उसको आपको समझना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप पिछली वीडियोस को देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि हर जो फीमेल है उसके पीरियड साइकिल के बीच वाले दिनों पर, मान लीजिए कि महिला का अगर 30 दिनों का पीरियड साइकिल है तो लगभग 14 से 16वें दिन के आसपास में महिला की अंडेदानी से अंडा रिलीज़ होता है। अगर ये अंडा फर्टिलाइज होता है तो फिर लगभग 7 से 9 दिन के बाद ये बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसे बोलते हैं बीटा एसीजी। फिर ये बीटा एसीजी ब्लड से होता हुआ गुर्दों में पहुँचता है, गुर्दे खून को छानने का काम करते हैं। फिर जो एक्सेसिव बीटा एसीजी हार्मोन होता है ये यूरिन मतलब कि पेशाब से शरीर से बाहर निकलता है। फिर इस पेशाब की बूंदें जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में डालते हो तो जो ये प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं ये इसी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं जिसे बीटा एसीजी बोलते हैं। और आपको फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में दो लाइनें शो होती हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आता है, ब्लाइटेड ओवम। अब पहले समझते हैं कि ब्लाइटेड ओवम होता क्या है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइज अंडा है जब ये यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है तो बीटा एसीजी हार्मोन को बनाकर ये रिलीज़ करता है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। और अगर आप इमिडिएटली अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है और अल्ट्रासाउंड में वो डिटेक्ट नहीं होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अल्ट्रासाउंड में हमें प्रेगनेंसी की झलकें दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी महिला का अगर 30 दिन का पीरियड साइकिल है तो जिस दिन लास्ट बार आपको पीरियड्स आए थे, मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड्स आए, तो लगभग 31वें दिन या अगले महीने की 2 या 3 तारीख को अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड कराने पर आपको प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है। अब यहाँ पर एक बात को मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड भी दो तरीके के होते हैं। पहला है पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। दूसरा होता है वजाइनली अल्ट्रासाउंड जो कि योनि मार्ग से होता है जिसे बोलते हैं ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो कि पेट के ऊपर से होता है, अगर आप अपनी पीरियड साइकिल के लगभग 31 से 35वें दिन के आसपास में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी की जो पहली झलक हमें दिखाई देती है वो होता है बच्चे का घर जिसे बोलते हैं जेस्टेशनल सैक। तो जो बच्चे का घर है वो क्या होती है, पानी जैसी थैली होती है। आपने सुना होगा कि जो बच्चा है वो प्रेगनेंसी के 9 महीने एक थैली में रहता है जिसमें पानी रहता है और बच्चा इस थैली में तैरता रहता है। तो ये जो थैली है ये जेस्टेशनल सैक ही होता है।
अब जेस्टेशनल सैक जो है, मतलब कि जो बच्चे का घर है, वो प्रेगनेंसी की जो पहली प्रोसेस है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड कराने पर दिखाई देती है, ठीक है, इस प्रोसेस के दिखने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद इसी जेस्टेशनल सैक में हमें एक और थैली दिखाई देती है जिसे बोलते हैं बच्चे का खाना, और मेडिकली इसे बोलते हैं योग सैक। योग सैक दिखने के लगभग 7 से 9 दिन के बाद हमें बच्चा खुद दिखाई देता है जिसे बोलते हैं फेटल पोल, और फेटल पोल के साथ हमें कभी कभी हार्ट बीट दिखाई देती है या फिर 1-2 दिन के बाद हमें हार्ट बीट ईजिली दिखाई देती है, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी की कुछ शुरुआती प्रोसेस होती हैं। तो आपको अल्ट्रासाउंड कराने पर क्या आता है, ब्लाइटेड ओवम, मतलब कि एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, या एम्प्टी जेस्टेशनल सैक, मतलब कि जो बच्चे का घर है वो खाली है, उसमें बच्चा है ही नहीं, ना ही योग सैक है ना ही फेटल पोल है। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होती क्यों है और ये कंडीशन है क्या, तो किसी बीमारी के कारण या जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण प्रेगनेंसी तो हुई आपको, मतलब कि जो फर्टिलाइज अंडा है वो यूट्रस में गया, बच्चे ने बीटा एसीजी हार्मोन को रिलीज भी किया तभी तो आपको प्रेगनेंसी का पता लगा, लेकिन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण, या आपने कुछ ऐसा किया या ऐसी दवाइयाँ खाई जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डीजनरेट हो गई, मतलब कि प्रेगनेंसी की प्रोसेस तो बनी लेकिन वो दोबारा से ख़त्म हो गई और जो बच्चे का घर है वो खाली हो गया, इसे बोलते हैं एम्प्टी जेस्टेशनल सैक, ब्लाइटेड ओवम एंड एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। अब सवाल आता है कि क्या डॉक्टर ने सही बताया है कि आपको ब्लाइटेड ओवम है, क्या एक अल्ट्रासाउंड से इस बात को कंफर्म किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड से ये कंडीशन कंफर्म नहीं होती है, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि आपको ब्लाइटेड ओवम है, उसके लिए कम से कम आपको 2 अल्ट्रासाउंड होने चाहिए या फिर जो अल्ट्रासाउंड है वो ट्रांसवजाइलन होना चाहिए, उसके साथ में ब्लड टेस्ट भी होनी चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में ब्लाइटेड ओवम का मेंशन कर देते हैं लेकिन आपको रिव्यू कराने के लिए बोलते हैं कि भाई 11 दिन के बाद या 14 दिन के बाद आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराओ कंफर्म करने के लिए आपको ब्लाइटेड ओवम है, तो आपको कंफर्म कराना चाहिए। लेकिन सेकेंड अल्ट्रासाउंड में भी अगर ब्लाइटेड ओवम आया है तो डॉक्टर की पुष्टि हो जाती है कि भाई आपको जो है प्रेगनेंसी ग्रो नहीं हो रही है और आपको जो है अबॉर्शन कराना होगा। तो अब जो दूसरी कंडीशन है कि क्या इसे मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या हम लोग और ज़्यादा वेट कर सकते हैं, तो एक बार अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है गाइस कि आपको ब्लाइटेड ओवम है, मतलब कि एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं होगी, तो आप कुछ भी करा लीजिए, आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं होगी, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिससे इस कंडीशन को ठीक किया जा सके, इस बात को आपको समझना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह भी माननी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग कितना वेट कर सकते हैं, तो टेक्निकली आप 63 दिन आपकी लास्ट पीरियड डेट के हिसाब से आप 63 दिन वेट कर सकते हो। कभी कभी जो पेशेंट है वो अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखते रहते हैं कि भाई हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 7 वीक आ रहा है 6 वीक आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लास्ट पीरियड डेट जो थी उसके हिसाब से आपको 63 दिनों का वेट करना होता है। अगर प्रेगनेंसी प्रोसेस नहीं कर रही है और स्टिल जो है बच्चे का घर ही दिखाई दे रहा है तो आपको फिर अबॉर्शन कराना बेटर रहता है और मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा। फिर पेशेंट का कंसर्न रहता है कि क्या मेडिसिन से अबॉर्शन कराना ठीक रहेगा कि सर्जिकली DNC कराना बेटर रहेगा, तो मेरे हिसाब से DNC कराना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि मेडिसिन लेने से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और वो आपके शरीर पर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देती है, तो डॉक्टर के सुपरविज़न में अगर आप DNC करा लेते हैं तो वो मच बेटर रहता है। लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम है या आप अगर ज़्यादा डरते हैं, हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकते, आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप मेडिसिन के थ्रू भी जो है अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। फिर अगला ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमारे साथ ये कंडीशन क्यों रही है, क्यों हुआ है ये सब, तो जो मेन इशू है वो होता है गुणसूत्रों में खराबी के कारण। आपको पता होगा कि जो फादर है उनसे 23 गुणसूत्र बच्चे को मिलते हैं और 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं, यानी कि फादर से 23 और मदर से 23 और 46 गुणसूत्रों का जोड़ा होता है बच्चे के अंदर, और जब ये गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो अगर एक गुणसूत्र अच्छे से मिलता नहीं है, जो प्रोसेस होती है अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो फिर ये कंडीशन हो सकती है।
दूसरा अगर मदर का जो अंडा है वो कमज़ोर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी तरफ अगर बच्चे के पिता के स्पर्म अगर अच्छे नहीं हैं, उसकी बनावट अच्छी नहीं है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। या मदर को अगर कोई बीमारी है या कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है जो कि प्रेगनेंसी पर इम्पेक्ट करती है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक भी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर जो कपल्स हैं उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, एक अच्छी डाइट नहीं है, अगर दोनों ले रहे हैं ख़ासतौर पर माता जो मदर है वो अच्छी डाइट नहीं ले रही है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ये कंडीशन होती है। अब करें क्या? तो पहली बार अगर आपका ब्लाइटेड ओवम आया है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात ये है कि अगर किसी कपल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर ब्लाइटेड ओवम आता है तो पहली बार आने के बावजूद दूसरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन रिपीटेड अगर ऐसा होता है, बारी बारी आपको आ रहा है ऐसा, तो आपको ब्लड टेस्ट और कुछ स्कैंस कराने होते हैं, जैसे कि CBC, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, और टोस टेस्ट होता है, और आपके हस्बैंड के CM एनालिसिस वो ज़रूरी होता है, AMH लेवल आपका देखा जाता है। प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने के बाद आपका एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है करवाना। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं जो कि आपको करवाने ज़रूरी होते हैं। फिर अगला कंसर्न रहता है कि भाई चलो हमने टेस्ट भी करा लिए, हमारी जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट भी हो गई, तो हम लोग आगे क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये कंडीशन हमें दोबारा से ना हो। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहली बार अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हालांकि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से नहीं करते हो दोनों, तो कपल्स को एक्सरसाइज करने की और उनका जो लाइफस्टाइल है और अच्छी डाइट है उनको लेने के लिए बोला जाता है। अगर कोई गंदी हैबिट होती है, जैसे कि अगर दोनों ही कपल्स या फिर फादर या मदर कोई भी अगर एल्कोहलिक है, स्मोकिंग करता है या कोई गंदी आदत है, कोई ड्रग एडिक्शन है, तो उन सभी हैबिट्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। स्टिल अगर इन सभी चीज़ों को करने के बावजूद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फिर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी एक्सपर्ट इनफर्टिलिटी डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, जो कि ऐसे केसेस को बहुत ही ईजिली ट्रीट कर देती हैं। स्टिल आपको किसी बात को लेकर डाउट हो या आपको अपनी रिपोर्ट दिखानी हो तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आपको रिपोर्ट्स को सेंड करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।